शरीर में पानी की कमी होने पर मीठे पे नहीं बल्कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए ORS पिए। डॉक्टर मोहसिन वली पद्मश्री। गर्मियों में 10 बच्चों के जीवन के लिए खतरा बनता है, इसलिए सुरक्षित ORS का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पंकज गर्ग। अस्सलामुअलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नई दिल्ली, 28 मई 2024। चिलचिलाती गर्मी के कारण भारत को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से निपटने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों में, जहां डायरिया मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है। हाल के NFHS 5 डेटा से पता चलता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS एक आवश्यक दवा होने के बावजूद डायरिया से पीड़ित केवल 60.6% बच्चों को मिलता है, जो जागरूकता बढ़ाने और उचित उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। डॉक्टर पंकज गर्ग, प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स दिल्ली चैप्टर और सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली। बच्चों में दस्त और पानी की कमी के प्रबंधन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए बताते हैं, दस्त से तेजी से तरल पदार्थ की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पानी की कमी होता है। ORS इन खोए हुए तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने का एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका है, जो कॉम्प्लिकेशंस को रोकता है और विशेष रूप से छोटे बच्चों में तेजी से सुधार में मदद करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ORS सुरक्षित और प्रभावी दोनों है। गलत नमक या चीनी के मिश्रण का उपयोग हानिकारक हो सकता है। पानी की कमी के उचित प्रबंधन के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सटीक संतुलन आवश्यक है। गलत घरेलू समाधान या मीठे पेय से संतुलन खराब हो सकता है, इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि बड़ी मात्रा में पानी की कमी या गंभीर मामलों में मृत्यु। गर्मी के मौसम के दौरान उचित हाइड्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक जन जागरूक अभियान WHO अनुमोदित ORS समाधानों के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रोलाइट ORS, डॉक्टर मोरपेन ORS या ORS वालियटे ORS जैसे जाने माने ब्रांड इन मानकों का पालन करते हैं, जो निर्जलीकरण से निपटने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका पेश करते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली पद्मश्री, कंसल्टेंट फिजिशियन सर गंगाराम अस्पताल, बढ़ते तापमान के साथ उचित ORS का चयन करने की आवश्यकता को उजागर करते हैं, कहते हैं दस्त और पानी की कमी को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सही ORS का चयन करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गर्मी के महीनों में। ORS और व्यापारिक रूप से उपलब्ध मीठे पेय के बीच भेद करना महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पेय पदार्थ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और तरल पदार्थ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उनमें तेजी से और प्रभावी हाइड्रेशन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम संतुलन की कमी होती है। मीठे पेय कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन ये पानी की कमी की मूल समस्या का समाधान नहीं करते। इसलिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त ORS का उपयोग करना समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने और जल्दी ठीक होने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चों जैसी संवेदनशील जनसंख्या में जानकारी पूर्ण विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। जब निर्जलीकरण का सामना करना पड़े तो निर्जलीकरण के इलाज के लिए अनुपयुक्त अन्य चीनी युक्त पेय पदार्थों की तुलना में WHO अनुमोदित ORS समाधान को प्राथमिकता दें। ORS के लाभों और इसके उचित उपयोग को समझकर हम व्यक्तियों और परिवारों को अपने स्वयं के स्वास्थ्य के नायक बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं, खासकर गर्मी के महीनों के दौरान। ये ज्ञान हर साल हजारों बच्चों की जान बचाने में मदद कर सकता है।